चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफर इस टॉपिक में सबसे पहले हम कैलोरीमीटर के स्ट्रक्चर एंड कैलोरीमीट्री प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करेंगे इसके बाद हम डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे एंड लास्ट में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को सीखेंगे तो चलिए फर्स्ट सीवी वी कैलोरीमीट्री स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज ना होता हो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं हमारी थर्मोस्टील बॉटल आइसोलेटेड सिस्टम का एक अच्छा एग्जाम्पल है प्रैक्टिकली 100% परसेंट आइसोलेटेड सिस्टम बनाना इम्पॉसिबल होता है चलो अब अब कैलोरीमीट्री के बारे में पढ़ते हैं कैलोरीमीट्री वर्ड का मीनिंग होता है मेजरमेंट ऑफ हीट जब हाइयर टेम्परेचर वाली एक बॉडी को एक दूसरी लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी के कॉन्टैक्ट में रखा जाता है तो हॉट बॉडी से कोल्डर बॉडी की ओर हीट ट्रांसफर होती है यदि सराउंडिंग व सिस्टम के बीच कोई हीट एक्सचेंज ना हो तो हीट लॉस्ड बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन बाय द कोल्डर बॉडी इसे ही कैलोरीमीट्री का प्रिंसिपल कहते हैं तो चलिए अब हम कैलोरी मीटर के स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं कैलोरी मीटर का सेटअप कुछ इस प्रकार से होता है इसमें एक मेटालिक वेसल होता है और इस मेटालिक वेसल के अंदर कुछ वाटर होता है वाटर को स्टर करने के लिए एक स्टरर कनेक्टेड होता है एंड वाटर का टेंपरेचर मेजर करने के लिए एक होता है इस मेटालिक वेसल को एक इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर कर देते हैं विच इज यूजुअली ग्लास और वुल फाइनली एक आउटर बॉक्स जो कि वुड का बना होता है उसके अंदर इस मेटालिक वेसल को डाल देते हैं इससे क्या होता है जो मेटालिक वेसल है और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है अब वाटर को हीट करने के लिए एक रेजिस्टर लगा देते हैं विच इज कनेक्टेड टू अ करेंट सोर्स अब जब करंट इस रेजिस्टर के थ्रू पास होगा तो रेजिस्टर हीट होगा रजिस्टर हीट होगा तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम लिख सकते हैं दैट हीट गिवेन बाय रजिस्टर इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर नाउ हीट गिवेन बाय रजिस्टर होगी वी आई के इक्वल तो हम लिख सकते हैं वी आई इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी एस यहां पर वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है अब हमें वी आई एम और डेल्टा टी आसानी से मालूम हो सकता है तो इस प्रकार किसी भी सब्सटेंस की हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरी मीटर के थ्रू निकाल सकते हैं अब हम इस कैलोरी मीटर का एक और वेरिएंट देखते हैं यहाँ पर कैलोरी मीटर के अंदर वाटर है जिसका मास एम है एंड वाटर इज एट टेंपरेचर टी तो जो वाटर का टेम्परेचर है वही टेम्परेचर इस कैलोरीमीटर का भी होगा अब सपोज हमने हीट सोर्स हटाकर इसके अंदर आइस डाल दी इस कैलोरी मीटर के अंदर हमने आइस डाल दी है तो क्या होगा बच्चों यह होगा कि आइस मेल्ट होगी एंड जो वाटर का टेम्परेचर है इनसाइड कैलोरी मीटर वो डिक्रीज होना चालू होगा तो हम लिख सकते हैं दैट हीट लॉस बाय वाटर प्लस हीट लॉस बाय कैलोरी मीटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय आइस टू मेल्ट अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखनी है वो हम आगे चल के एक प्रॉब्लम के थ्रू सीखेंगे